बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल के हुगली से आ रही है, जहां पर हिंसा के बाद तनातनी बढ़ती जा रही है। बीजेपी नेता सुंगतो मजुमदार हुगली के लिए रवाना हुए तो पुलिस ने उनका रास्ता ही रोक दिया। इससे पहले कल हुगली में जमकर हिंसा और पथराव हुआ था, कई नेताओं को चोटें आई थी। अब बीजेपी एनआईए जांच की मांग कर रही, तो ममता ये कह रही है कि साजिश के तहत ही बंगाल दहका है। बीजेपी नेताओं पुलिस के बीच झड़प शुरू हो चुकी है, बीजेपी कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अनुपम मिश्र मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे जुड़ रहे हैं पश्चिम बंगाल से। अनुपम, ये जो नेताओं के जाने का सिलसिला होता है ना, ये कई बार चीजों को बिगाड़ देता है, शायद यही वजह है कि सुकांता मजुमदार को रोका गया है। जी बिल्कुल, पुलिस और प्रशासन का यही मानना है कि सुकांतो मजुमदार अगर उस इलाके में घुसते हैं तो जो सुबह से शांति का माहौल या हो सकता है तनाव है, लेकिन शांति का जो माहौल। तस्वीरें दिखाइए अनुपम, आपके पीछे इस वक्त क्या तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, कितनी पुलिस बल की तैनाती है, तमाम तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, मैं आपको वही दिखा रहा हूँ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बैरिकेडिंग की हुई है। सुकांतो मजुमदार अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं और जो कुछ बीजेपी कार्यकर्ता हैं यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ देर पहले तक जो बैरिकेडिंग थी उसको हल्के तौर पर तोड़ने की कोशिश भी हुई उसको, लेकिन पुलिस ने वो संभाल लिया और अब बीजेपी कार्यकर्ता जो है सड़क पर बैठ गए हैं। सड़क पर बैठ कर वो नारेबाजी कर रहे हैं और ये जो इलाका है लगभग 1 किलोमीटर पहले, मतलब जहाँ पे हिंसा की घटना हुई है वहां से 1 किलोमीटर पहले जीटी रोड पर, ग्रैंड ट्रंक रोड पर पुलिस ने बैरिकेड करके सुकांत मजुमदार जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनको यहां पर रोक दिया है। वो उसी गाड़ी में यहां पर बैठे हुए हैं और इस तरफ पुलिस है, उस तरफ बीजेपी कार्यकर्ता हैं जो लगातार बार बार कोशिश कर रहे हैं यहां पर आने की और ये लगातार जो बोल रहे हैं कि उनको यहां पर जाना है। और पुलिस प्रशासन को महसूस हो रहा था, लग रहा था कि अगर सुकांत मजुमदार या उनका कॉन्वॉय अपने साथियों के साथ वहां पहुंचता है तो हो सकता है कि स्थिति बिगड़े, और इसी वजह से यहां पर इस वक्त जो बैरिकेडिंग की गई है और सुकांत मजुमदार को इस इलाके में नहीं अंदर जाने दिया जा रहा है। पीछे ये पुलिस बल के अलावा वहां पर और जो ये लोग दिखाई दे रहे हैं, क्या इनको वहां इकट्ठा होने से रोका नहीं गया, क्योंकि ये पूरा इलाका बेहद संवेदनशील है, यहां पर हिंसक घटनाएं कई बार हो चुकी हैं, क्या इन्हें वहां से हटाने की कोशिश नहीं हो रही है? जी फिलहाल इनको कहा जा रहा है कि आप वापस जाएं, क्योंकि ये सभी जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं ये सुकांत मजुमदार के साथ ही यहाँ पहुंचे हैं। इससे पहले तक यहाँ पर कोई कार्यकर्ता नहीं था, अचानक जब सुकांत मजुमदार का कॉन्वॉय यहाँ पहुंचा है तो उनको यहाँ पर रोक दिया गया है और इनको यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जाएगा, फिलहाल ये पुलिस का कहना है। हालांकि इनको अभी तक यहाँ से हटाया नहीं जा रहा है और पूरा का पूरा जो सड़क है ये फिलहाल यहाँ पर बंद पड़ी हुई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम इस तमाम जानकारी के लिए आपका।